मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद आज सभी प्रभारी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों की समीक्षा बैठक की। प्रभारी मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर, एसपी और उसके साथ में तमाम अधिकारियों से लॉकडाउन के हालातों पर यहां पर चर्चा की। इसी के साथ पेयजल कंटीजेंसी प्लान के तहत नरेगा में श्रमिकों का नियोजन करने समेत अन्य कार्यों की भी जानकारी ली। इसी कड़ी में जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने आला अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लिया। तो वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने प्रभार वाले जिले कोटा तथा बूंदी के कलेक्टर से यहां पर चर्चा की। इसके अलावा मंत्री अशोक चांदना ने भरतपुर, टीकाराम जूली ने टोंक और सवाईमाधोपुर, मंत्री रमेश मीणा ने बारा झालावाड़, हरीश चौधरी ने दौसा और साथ ही में ममता भूपेश ने अलवर के हालातों की यहां पर जानकारी ली। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता दिनेश कसाना मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, यहां पर मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद में तत्परता काफी समय से देखने को मिल रही है। सभी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले यहां पर जिलों की समीक्षा बैठक ली, क्या मुख्य बिंदु रहे? बिल्कुल, देखिए जयती, लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, पार्ट तीन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों के निर्देश दिए और बाकायदा कैबिनेट सचिवालय के निर्देश जारी किए गए कि सभी जो प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों की समीक्षा करें। तीसरे चरण की जो रणनीति है उससे आगे की क्या कार्य योजना रहेगी, फिलहाल सभी जिलों में क्या स्थिति है उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से निर्देश दिए गए थे कि सभी मंत्री जो अपने अपने प्रभार वाले जिले हैं उनकी स्थिति की समीक्षा करें और बाकायदा पूरी रिपोर्ट सीएम के यहाँ प्रस्तुत करें कि किस तरह की अभी जिलों में स्थिति है उसको लेकर पूरी आगे की रणनीति कार्य योजना क्या रहेगी। सभी जिला कलेक्टर, एसपी और समकक्ष जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनके साथ आज सभी मंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने वीसी की और वीसी के माध्यम से पूरी जानकारी आज समीक्षा जो जिलों की स्थिति है कोरोना को लेकर उसकी समीक्षा की है। साथ ही देखिए गर्मी का सीजन आ रहा है तो अभी मई का महीना चल रहा है और लगातार कोरोना वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में पेयजल की क्या स्थिति रहेगी। गर्मी के सीजन में जिस तरह हर वर्ष कंटेंजेंसी प्लान बनाया जाता है विभाग की ओर से किसी तरह की पेयजल की आपूर्ति बाधित ना हो, परिवहन पेयजल के परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जाए या नए बोरवेल खुदवाए जाए, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो विभाग की ओर से की जाए उसकी समीक्षा की जाए। साथ ही जो नरेगा के माध्यम से जो श्रमिक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिनेश। कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध यहां प्रदेश की सरकार, अपने अपने प्रभार वाले जिलों का यहां पर प्रभार मंत्रियों ने फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद में ये पालना की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर, एसपी और तमाम आला अधिकारियों के साथ में ये बैठक संपूर्ण की गई। फिलहाल क्या स्थिति है कोरोना को लेकर, चूंकि लॉकडाउन तीन का छठा दिन आज है, किस प्रकार से आगे की रणनीति बनानी है, पिछले दिनों सारी सीमाओं को यहां पर प्रदेश भर की सीमाओं को सील कर दिया गया, बगैर अनुमति के राज्यों की जिलों की सीमाओं को भी क्रॉस करने की यहां पर अनुमति नहीं है, चूंकि राजस्थान एक मरु प्रदेश है, गर्मी के साथ साथ बढ़ती गर्मी के साथ साथ यहां पर पेयजल की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है, तो किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहां पर पानी की समस्या उत्पन्न होने की संभावना भी है, चूंकि जून और जुलाई का महीना अभी बाकी है, मॉनसून के आने में अभी देरी है, तो समीक्षा बैठक यहां पर ली गई। किसी भी प्रकार से जनता को किसी भी तरीके से सफर नहीं करना पड़े, जनता अपने घरों में रहे और तमाम वो सुविधाएं जो कि आवश्यक है उन्हें उपलब्ध सरकार के द्वारा कराई जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर यहां पर सभी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों का फीडबैक लिया, चर्चा की, हालातों का जायजा लिया। लगातार मुख्यमंत्री काफी ज्यादा गंभीर शुरुआती दिनों से ही ट्वीट करके लगातार जनता से मुखातिब होते हुए अपनी अपनी सरकार की यहां पर कार्यों को दर्शाने के लिए ट्विटर पर काफी एक्टिव है मुख्यमंत्री जी। बताया कि किस प्रकार से प्रदेश भर में यहां पर टेस्टिंग के जो सैंपलिंग है उसमें कितनी तेजी है, पूरे प्रदेश भर की जो रेट्स है सैंपल की जांचों की वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, 1,50,000 का वो आंकड़ा है, जितने मरीजों के माफ कीजिएगा जितने लोगों के यहां पर सैंपल्स लिए गए और पूरे देश में सबसे अधिक ये आंकड़ा है। लॉकडाउन तीन का छठा दिन, किस प्रकार से आगे की रणनीति बनेगी, चूंकि अभी जो कोरोना की स्थिति है रिकवरी रेट तो यहां पर बड़ी है लेकिन आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो कि चिंतनीय विषय हो सकता है। सरकार के सामने कोरोना भी एक चुनौती है, श्रमिक और
जो प्रवासी राजस्थानी हैं उन्हें वापस लाना, जो राजस्थान में दूसरे राज्यों के श्रमिक हैं उन्हें वापस भेजना भी एक बड़ी चुनौती है। पेयजल की समस्या ना हो किसी को, क्योंकि मरु प्रदेश में हैं हम सभी लोग, और बढ़ती गर्मी के साथ में पानी की समस्या भी अधिक हो जाती है, तो किस प्रकार से कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्धता है सरकार के हृदय में अपनी जनता के प्रति, उसी का एक साक्षात उदाहरण लगातार देखने को मिल रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तकनीकी इस्तेमाल के चलते लगातार जिलों के जो प्रभारी है, प्रभारी मंत्री है जिस भी जिले के, उनके द्वारा यहां पर जिला कलेक्टर से और एसपीज भी मौजूद रहे, आला अधिकारी भी मौजूद रहे और तमाम यहां पर व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टर से यहां पर चर्चा करते हुए अपने प्रभार वाले जिले की। आपको बता दें कि बीते दिनों यहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया, पूरे प्रदेश भर की सारी सेवाओं को सील कर दिया गया, क्योंकि देखा जा रहा था कि यहां पर अवैधानिक तरीकों से लोगों के यहां पर आने और जाने का सिलसिला प्रशासन की नाक के नीचे तो जारी था, लेकिन अब धीरे धीरे सूचना मिलने लगी और प्रशासन मुस्तैद हो चला। पिछले दिनों सारी सीमाओं को यहां पर सील कर दिया गया, बगैर पास के यहां पर किसी को भी अन्य जिले में जाने के प्रवेश की अनुमति नहीं है। तस्वीरों में देखिए आप परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने प्रभार जिले के यहां पर जिला कलेक्टर से समीक्षा बैठक करते हुए तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की गई जो कि आगे की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। कोरोना के जो वैश्विक संकट से अभी पूरी दुनिया जूझ रही है, भारत के साथ साथ प्रदेश भी उससे छूटा नहीं। 31 जिलों में कोरोना ने अपने पैर पसार लिए। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए चूरू से जिला प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग हमारे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है एवन टीवी के इस कार्यक्रम में। सुभाष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी खामी के चक्कर में अभी तक आवाज नहीं आ पा रही है, फिर से जुड़ेंगे उनसे। प्रदेश से हम आपको लगातार कोरोना के लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 57 कोरोना पॉजिटिव मरीज आज भी सामने आए। चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद सिंह जी, सभी सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है एवन टीवी में। जी नमस्कार। जी गोविंद सिंह जी, सबसे पहला सवाल मुझसे मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस प्रकार से प्रदेश की जो सरकार है वो जितना प्रतिबद्ध है, लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर समीक्षा बैठकें किस प्रकार से की जाए उसकी यहाँ पर पालना के निर्देश दिए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप किस प्रकार से जनता को यहाँ पर संकोचित होने की और किसी भी प्रकार के वहम को अपने हृदय में जगह बनाने की अभी जरूरत नहीं है? निश्चित रूप से देखिए, जो ये वैश्विक महामारी आई है ये सबको पीड़ा देने वाली है, लेकिन इस पीड़ा की घड़ी में हमारे जो प्रधान सेवक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सबको साथ लेकर के उनकी पीड़ा में उनकी मदद करने के लिए खड़े हैं और कहीं भी किसी भी व्यक्ति को प्रदेश में भूखा नहीं सोने दिया जा रहा है। बिल्कुल। और जांचें त्वरित गति से करवाई जा रही हैं और पूरी प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है और जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइन भेजी है उसकी भी राज्य सरकार पालना करवा रही है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी
खुद के संबोधन में ये कहा है कि राजस्थान सबसे अच्छा कर रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी है, सबको सीख लेनी चाहिए और एक अच्छा करना चाहिए और इस महामारी से हम सबको निकलना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरीके से फरिश्ता बन करके आए हैं और इन पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से इतनी बड़ी महामारी है तो कहीं ना कहीं लोगों को पीड़ा रहती होगी, लेकिन हर स्तर पे रोजाना की रोजाना सुनवाई करते हैं, वीसी करते हैं, हर विभागों की समीक्षा करते हैं, जिला कलेक्टरों से बात करते हैं। आज सभी मंत्रियों को भी कहा गया था कि वीसी के माध्यम से प्रभारी मंत्री भी बात करेंगे, हम सब ने भी बात की है। तो कहीं न कहीं एक ही उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का लग रहा है कि हम कैसे इस महामारी से निकलें और कम से कम लोगों को पीड़ा। जी गोविंद सिंह जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि वैश्विक ये समस्या है, पूरा विश्व भी समस्या से जूझ रहा है, हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। छात्र जो है फिलहाल काफी ज्यादा असमंजस में है, किस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, चूंकि लॉकडाउन 3 का छठा दिन है और आने वाली स्थिति तो और भी ज्यादा गंभीर होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये निर्देश साफ तौर पर दे दिए हैं, तो मैं चाहूंगी आप छात्रों को और जितने भी छात्र इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें बताएं कि किस प्रकार से ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड यहाँ पर रखने की आवश्यकता है, मोराल बूस्ट करने के लिए प्रदेश सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। मैं सॉरी दूसरी से जुड़ गया है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे, किस प्रकार से प्रदेश की सरकार यहां पर प्रतिबद्ध है अपनी जनता की सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए और इस संकट की घड़ी में किस प्रकार से कोरोना को हराना है, ये सभी का मकसद अभी फिलहाल है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए सुभाष गर्ग जी, चूरू जिला प्रभारी मंत्री, इस वक्त मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। सुभाष जी, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार अभी प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में तमाम जिला प्रभारी मंत्रियों ने यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, तो क्या यहां पर मुख्य बिंदु निकल कर आए और किस प्रकार से आगामी रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा की गई। माफ कीजिएगा, तकनीकी खामी के चलते फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है, लगातार प्रदेश की हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को आपने सुना, सरकार यहां पर प्रतिबद्ध है और सरकार पूरी तरीके से चाहती है कि प्रदेश की जनता कम से कम इस, हालांकि संकट की घड़ी है, लेकिन सभी को एकजुट होकर और सभी को साथ में रहकर इस वक्त आगे बढ़ने की जरूरत है।